नमस्कार रेल साथियों, राजभाषा के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है। इस पेपर में से 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो राजभाषा का पहला प्रश्न है 101, इसमें एज पर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज द राजभाषा ऑफ द कंट्री, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल पूछा है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है, तो हम जो 343(1) है ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। 343(1) के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। 342(1) की हम बात करें तो 342(1) में क्या है, इसमें राष्ट्रपति महोदय किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों या जाति समुदायों के भागों या उनके ग्रुपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, ऐसा 342(1) में है। और यहाँ हम 344 की बात करें तो 344 के अंतर्गत राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो ये जो जो आर्टिकल 343(1) है ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 102 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले बात करें कन्नड़, कन्नड़ जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषाओं में कन्नड़ यहाँ शामिल है और कन्नड़ को 1950 में ही जब शुरू में 14 भाषाओं में जोड़ा गया था तो उस समय इसको 14 भाषाओं के अंतर्गत शुरू में ही ले लिया गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोकणी, कोकणी को 1992 में जोड़ लिया गया था। और ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली इसको 2003 में जोड़ लिया गया था। तो ये जो भोजपुरी भाषा है ये भारत की जो 8वीं अनुसूची है जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में ये भोजपुरी शामिल नहीं है। इसका मतलब जो संस्थाली भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल है, कोंकणी भी सम्मिलित है, कन्नड़ भी सम्मिलित है। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा आपका वो भोजपुरी बनेगा, भोजपुरी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 की, केंद्रीय हिंदी राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है। देखिए यहाँ हिंदी प्रश्न में लगाया नहीं है, केंद्रीय हिंदी, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल राजभाषा कमेटी, यानी केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये अपने माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो वर्तमान में
श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और ये केंद्रीय हिंदी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार ये रिपीट होता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे 104 की। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये सुपरहिट प्रश्न है। राजभाषा के प्रश्न में कोई प्रश्न आए या नहीं आए, लेकिन ये महोदय जी जरूर टपक जाते हैं, तो इस प्रश्न का विशेष ध्यान रखें। और इसको हम 1953 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। और इसके साथ जो दूसरा दिवस है इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है आपके 10 जनवरी का पूछा जाता है। 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और ये आपके 2006 से हम इसको रेगुलर मनाते आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दोनों, आप दोनों प्रश्नों का ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करेंगे 105, राजभाषा कमीशन वाज फॉर्मड ऑन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 7 जून 1955 को किया गया है। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया है, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम वाज पास्ट इन द ईयर, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ राजभाषा अधिनियम नहीं है, यहाँ नियम होना चाहिए। अधि को काट देते हैं, अधि को यहाँ काट देते हैं। राजभाषा नियम वर्ष में पारित किया गया, तो ये 17 जुलाई 1976 को पारित किया गया था। 17 जुलाई 1976 को पारित किया गया था। तो ये इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो यहाँ बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, क्योंकि अगर यहाँ राजभाषा अधिनियम की बात करें तो वो 1963 में पारित हुआ था, 1963 में पारित हुआ था। और ये जो संशोधित हुआ था राजभाषा अधिनियम, वो 1967 में संशोधित हुआ था, इसके ठीक 4 साल बाद। और राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 की बात करें, धारा 3-3 की बात करें, तो ये आपके लागू हुई थी 26 जनवरी 1965 को ये लागू हुई थी। तो ये राजभाषा अधिनियम की राम कहानी है, ये अलग से जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये राजभाषा अधिनियम की कहानी है। यहाँ जो पूछा है वो राजभाषा नियम पूछा है, यहाँ मिस प्रिंट है, ये अधि यहाँ काट देते हैं। राजभाषा नियम वर्ष किस में पारित हुआ? तो ये 1976 यानी 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है। और यदि इस प्रश्न में हम राजभाषा नियम 1963 माने तो फिर ये चारों ऑप्शन यहाँ गलत हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है यहाँ राजभाषा नियम है, अधिनियम नहीं है, नियम है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1976, 1976। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 107 है, वो देख लेते हैं। 107 में क्या है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? तो ये 6 महीने में एक बार है, यानी साल में 2 बार, 6 मंथ में ये एक बार है और 1 साल में ये 2 बार है, तो यानी 6 मंथ में एक बार। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करें हम राजभाषा नियम में किस वर्ष संशोधन किया गया। देखिए राजभाषा नियम आपका जैसा ऊपर देखा अपन ने, 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था और इसमें टोटल 12 नियम हैं और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। साथ ही यहाँ प्रश्न संशोधित की बात कर रहा है, तो संशोधित ये सबसे पहले 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ था, तो ये 1987 1987 आपके ऑप्शन ए में है, तो ये यहाँ आपका राइट हो जाएगा। दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुआ था और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ 1987 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। ये 1988 है तो ये तो रॉन्ग है, 1990 है तो ये भी गलत है,
और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत। तो राइट ऑप्शन आपका इसमें ए आंसर बनता है। उसके बाद हम बात करें 109 की, 109 एज पर राजभाषा रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी इज नॉट कम्स अंडर बी रीजन। राजभाषा नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो बी की मैंने आपको यहाँ ट्रिक बता रखी है, पंगु चंद्र मदान यानी पंजाब आपका बी में आता है, और उसके बाद पंजाब के बाद में आपका गुजरात आता है, चंडीगढ़ आता है और महाराष्ट्र आता है, दमन द्वीप समूह यहाँ दादरा नगर हवेली आता है। तो यहाँ गुजरात है जो रीजन बी में आएगा, राइट। दमन और दीप भी यहाँ रीजन बी में आएगा, राइट। और पंजाब भी यहाँ रीजन बी में आएगा। ओडिशा है जो आपके रीजन सी में आता है, ये ओडिश जो रीजन सी है उसमें यानी कि भाग सी में आता है ओडिशा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ओडिशा बनेगा, सी उत्तर इसका करेक्ट होगा, यानी कि बी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये ओडिशा नहीं आता है, तो सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर 110 है, 110 की बात करेंगे। सेक्शन 33 ऑफ राजभाषा अधिनियम 1963 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3-3 कब से लागू हुई। तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुई है, जो आपके ऑप्शन बी में है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। इसकी व्याख्या अपन ने ऊपर प्रश्न में करी, अभी आपको यहाँ देख सकते हैं अपन, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था और ये इसके ठीक 4 साल बाद 1967 में संशोधित हुआ था, 1967 में। इसके बाद जो इसकी धारा 3-3 है वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनता है वो 26 जनवरी 1900, सॉरी बी आंसर नहीं बनता, 26 जनवरी 1965, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट है, 26 जनवरी 1965। जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 है वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। तो यहाँ 110 में आपका राइट आंसर ए बनता है। तो ये था साथियों राजभाषा का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें 10 प्रश्नों पे हमने डिस्कस किया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं कि राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं में इसका योगदान रहता है। 10% ये पेपर में आता है और 10 प्रश्न होते हैं इसके, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, मात्र 1-2 दिन की तैयारी में ये टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और 10 में से 10 स्कोर इसमें आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, यानी 10 में से 10 आप इसमें नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो फिर ये 10 नंबर आपके मेरिट बनाने में भी सहायक हैं और 60% क्रॉस करने में भी सहायक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है राजभाषा का, और ये सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसका अलग से वीडियो बनाते हैं। तो ये थे साथियों, अब आगे महत्वपूर्ण बात, एक जरूरी सूचना, यदि आप टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं एपीओ वेलफेयर इंस्पेक्टर सीनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क और ओएस, इनमें यदि आप टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, 8003826408, इन नंबरों पे आप संपर्क करना चाह सकते हैं। और यदि आप AME या JEE की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन नंबरों पर संपर्क करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का डिस्कस कर सकते हैं, जिन पे आपको डाउट है उनको ग्रुप में डाल सकते हैं और टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आगे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।